सुजानपुर के कक्कड़ पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में सेवा सप्ताह को मनाते हुए स्वास्थ्य सेवा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह का उद्देश्य लोगों में सेवा भावना को जगाना है। सुजानपुर के कक्कड़ पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह को मनाते हुए स्वास्थ्य सेवा कैंप का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह का उद्देश्य लोगों में सेवा भावना को जगाना है। कार्यक्रम में प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा लेने के लिए कहा और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आज सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा चलाई गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की वजह से घर घर जाकर लोगों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 तरह के ब्लड टेस्ट और साथ ही साथ मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जा रही हैं। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमन चौहान, वीरेंद्र ठाकुर, कक्कड़ पंचायत प्रधान ज्योति ठाकुर, पूर्व महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर, मंडल सचिव इंस्पेक्टर प्यारे चंद, ग्राम केंद्र अध्यक्ष कृष्ण देव, पूर्व प्रधान साधुराम, पूर्व प्रधान दिनेश कुमार, उप प्रधान भगवान सिंह, बूथ अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक दिन की बजाय एक पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, और इसमें टोनी देवी के पहले डॉक्टर लश्कर राम मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए, दूसरे दिन सुजानपुर बांटे गए, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज सुजानपुर में बच्चों ने रक्तदान किया। मेरी सूचना के मुताबिक 50 बच्चों ने उस दिन रक्तदान दिया। रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। खून की एक बूंद किसी का सुहाग बचा सकती है, किसी की गोद हरी भरी रख सकती है, किसी का भाई बचा सकती है, किसी की बेटी बचा सकती है, किसी का बेटा बचा सकती है। तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सबसे बड़ा दान जो रक्तदान है वो किया है। मंडल का धन्यवाद ही हूँ जिन्होंने मिलकर केवल हॉस्पिटल्स में नहीं, अनाथ आश्रम में जहाँ बच्चे रहते हैं सुजानपुर में, तो माँ बाप नहीं है, उनके लिए फल कापियाँ पढ़ाई लिखाई का सामान मोदी जी के जन्मदिन के तौर पर उनको दिया। एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। हम धन्यवाद अपने सांसद के जिन्होंने सांसद स्वास्थ्य मोबाइल सेवा का प्रावधान किया हुआ है। 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में गाड़ी जाती है, 40 टेस्ट मुफ्त होते हैं, अनेकों बीमारियों का जिन्हें हमें पता नहीं होता, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उसको पता ही नहीं बढ़ा हुआ है कि कम है, तो टेस्ट करवा लेता है तो उसको पता लग जाता है। बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी हो गई होती है, मधुमेह, पता ही नहीं होता, मुफ्त में टेस्ट हो जाता है। घर में आकर, आपकी पंचायत में, आपके गांव में आकर टेस्ट करके अगर आपको पता लग जाता है कि शुगर हो गई है तो आप इलाज करो।